हम पहुँच गए हैं सार्थक के बेटे में, आज मंदिर पहुँच गए हैं। सुबह सुबह दर्शन के लिए आए हुए हैं और सार्थक को भी हम दर्शन कराएंगे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू शुरू होगा। तो बने रहिए। तो दोस्तों बर्थडे की तैयारी शुरू हो गई है। अब हम बना रहे हैं यहाँ एकदम सब्जी एकदम गाँव स्टाइल में। ये देखो, ये भिंडी है, लौकी, आलू और ये टमाटर मिर्च है। देखो गोल वाली मिर्च एकदम न्यू स्टाइल से, एकदम गोल वाली मिर्च हमने यहाँ यूज़ की हुई है। मसाले तेल फ्राई वाई सब स्टार्ट हो गया और खाने की तैयारी, बर्थडे की तैयारी जोरों में चल रही है। और फर्स्ट क्लास ये हमारे सातवें जन्मदिन का बर्थडे है। बेटा हाय बोलो, सब दोस्तों को सबको हाय बोलो। तो यहाँ हम सब्जी बनाएंगे, अब सब्जी बनाने के बाद हम आपको। तो गाइस, भाई साहब को कुछ और काम आ गया तो वो जल्दी में भाग गए। तो आगे का कार्यक्रम हमारी भाभी संभाल रही है। तो ये देखिए, ये डाल रही है जीरा, और अब जीरे के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं। इन्होंने मिर्ची डाल दी है, हमने ये पूरी अक्खा मिर्ची डाल दी है, इससे टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए, चूल्हे में खाने का मज़ा ही कुछ और है। जिन जिन लोगों ने चूल्हे में खाना खाया होगा उनको पता होगा कि उसका स्वाद ही अलग आता है, क्योंकि पहले ज़माने में हम चूल्हे में ही खाना बनाया करते थे, तो उसका उसके स्वाद का कोई तोड़ ही नहीं है। ये देखिए भाभी आग लगाते हुए एकदम मस्त तरीके से। आज हमारे घर पे बहुत से लोग आने वाले हैं, आज इस बर्थडे बॉय का बर्थडे है इसलिए। तो ये देखिए, ये देखिए, मिर्ची से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि मिर्ची फट जाती है तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा दूर रहेंगे। ये देखिए भाभी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती है। ये देखिए, उसके बाद तो ये अब अदरक भी डाला है, अदरक से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, इसलिए भाभी ने थोड़ा अदरक भी डाला उसमें। अभी ये आग लगाते हुए अच्छे से ब्राउन होने देंगे अदरक को भी। उसके बाद क्या डालोगे भाभी इसमें? आलू। उसके बाद भाभी इसमें आलू डालेंगी, देखते हैं कैसी बनती है सब्जी आगे। अब ये भाभी सबसे पहले आलू फ्राई करेंगी इसमें। ये गया आलू, चलो इसी तरीके से हम इसमें सारी सब्जी मिक्स करा के इसको हम सब्जी अच्छी से बना लेंगे। हमारे YouTube चैनल में बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या सरप्राइज आपको मिलते हैं। आज एक से एक महान हस्तियां आने वाली है, कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले हैं, और 3 बजे तक हमारा केक कट जाएगा। देखिए किस तरह सब बैठे हुए हैं, कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए हैं और कुछ लोग तैयारियां कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी जो है यहाँ निवी को हो रही है, एक क्योंकि ये पहली बार उन्हें भाई का बर्थडे अटेंड कर रही है। और ये सार्थक चंद हैं जिनका बर्थडे है, इनको गुब्बारे से फुर्सत नहीं मिलनी है, लगातार ये गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ बने रहिए, बने रहिए। तो गाइस ये बच्चे लोग सब खाना खा रहे हैं, अभी सब बड़े लोग भी खाना खा रहे हैं, और ये हमारी दिया दिया रानी है आपके। अभी आप मैंने आपको अंदर की तैयारियां बताई थी। अब ये देखो, ये मेरा गार्डन है, ये हमारे आंवले का हरा हरा पेड़ है, और इसमें देखो आंवले लगे हैं जो कि आपको भी दिख नहीं रहे होंगे। अभी मैं आपको एक आंवला ये देखिए, हमने इस पेड़ से इतने आंवले तोड़े हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आंवला एक ऐसा पौधा है, आंवला एक ऐसा है जो आप खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, बीमार भी नहीं होगे, आपके पेट के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। आंवला रोज खाए आप सभी लोग, एक एक आंवला। देखिए गाइस, ये आड़ू का पेड़ है, अभी इसमें आड़ू नहीं लगे हैं, अभी इसका टाइम नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। आइए आप, और आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, ये पपीते का पेड़ है, इसमें हमारे पपीते लगे हुए हैं जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
ये देखिए, ये हमारा गार्डन है। ये गार्डन में हमारे केले का पेड़ लगा हुआ है और ये अरबी के पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये देखिए, ये हमारी मिर्ची है। इसमें देखिए गोल गोल छोटी छोटी मिर्ची लगी हुई है, हरी मिर्ची एकदम ताजी फ्रेश। और आइए ये देखिए गाइस, ये हल्दी के पेड़ है। हमारे गार्डन में हल्दी लगी हुई है, हम घर की हल्दी यूज करते हैं। और ये मैंगो यानी आम का पेड़ है, इसमें आम लगते हैं। अभी इसका सीजन नहीं है इसीलिए आपको आम नहीं दिखाई दे रहे होंगे पेड़ों में। मैंने आपको अपना गार्डन दिखाया था और अब ये हमारे फसल यानी कि धान की खेती हुई है। और ये पराल है जो थ्रेशर द्वारा निकाला गया है, धानों को हमने रख लिया गया है और ये पराल हमारा आज खेतों में सूख रहा है। आज सब लोग आगे चलते रहिए। मैं आपको अभी बर्थडे की पार्टी भी दिखाऊंगी। अभी मेरे भाई का केक कटने वाला है तो उसकी भी आप लोगों को सब दिखाऊंगी। अभी हमारे गांव के शैतान बच्चे देखो कैसे चढ़े हुए स्लीप में, एकदम मस्ती कर रहे हुए करते हुए। ये देखिए बर्थडे बॉय तैयार हो रहा है, बर्थडे बॉय को तैयार किया जा रहा है बर्थडे के लिए और उसकी मम्मी इसको तैयार कर रही है। ये मेरी छोटी बहन और ये मेरी इसकी भी शादी है नवंबर में। और ये आप सब लोग और मैं को मत भूलना और मुझको भी। ये बर्थडे बॉय भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझको भी मत भूलना। और अब केक कटने की तैयारी चल रही है। बर्थडे बॉय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दादा लोग ये पट्टी में हमारे गेस्ट आए हुए हैं और आप सभी लोग अभी केक कटने वाले समय में केक कटने की तैयारी हो रही है। मत मारो बच्चे को। सब लोग गरीब लोग मेरे चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, सब लोग ऐसे मैं तो वीडियो बनाई है, मैं तो सारे खींच दिए। तेरी शक्ल नहीं दिख रही है मेरे चैनल में तो। मैं तो परसों Happy birthday, happy birthday.
पापा को कुछ खिला मांगा पापा ये पापा आते हुए पापा केक खिलाते हुए पापा जी आगे नहीं पीछे यार ये बड़े मम्मी और बड़े पापा के खिलाते हुए हैप्पी बर्थडे केक खाते हुए भाई चाची जी चाची जी केक काट रहे हैं चाचा और चाची केक खिला रहे और ये इसके दादा दादी दादा दादी केक खिलाते हैं ये दीदी जी केक खिलाते हैं और ये दीदी केक देते हैं ये सब लोग मस्ती करते हैं इधर बाकी के लोग इधर बैठे हैं ये इधर पार्टी की तैयारी पार्टी की तैयारी हो रही है ये रिया डाल रही है समोसा पार्टी और ये भाभी डालते हुए ये कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं बच्चे लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं कम ऑन जल्दी और ये नितेश कोल्ड ड्रिंक करते हुए हेलो हैप्पी बर्थडे रिया कुछ कहना चाहती है रिया बोलो अभी शर्मा रही है ये कोल्ड ड्रिंक डालने लगा दीदी से ये दीदी आ गई जोश दिलाने सबको कि जल्दी करो जल्दी करो अगले वीडियो में मिलेंगे बाय बाय।